नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन के बारे में जो कि है अपकमिंग आईफोन 14 सीरीज। इस बार आईफोन 14 के अंदर टोटल चार स्मार्टफोन आएगा, आईफोन 14, 14 मैक्स, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो अपकमिंग सीरीज जो लॉन्च होने वाला है इसमें इस बार डिजाइन के मामले में क्या डिफरेंस मिलेगा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी, ये चारों चीज में एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटो चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो इस वीडियो पे स्पेसिफिकेशन चार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बार इसका डिजाइन कैसा होगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो पहले का दो डिवाइस जो आईफोन 14 और जो 14 मैक्स दोनों पे आपको पिछले बार के जैसा सेम टाइप का नॉच मिलेगा और चारों साइड में जो बेजल वो एग्जैक्टली पिछले बार के जैसा ही होगा, मतलब पहले के दो डिवाइस में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन जो आईफोन 14 प्रो और जो प्रो मैक्स दोनों पे आपको जो नॉच आप देख सकते हैं थोड़ा सा डॉट टाइप का नॉच आपको मिलेगा, मतलब इसका जो नॉच वो ऑलमोस्ट एंड्रॉइड के जैसे ही हमें मिलेगा और जो आसपास का बेजल वो 14 और जो 14 मैक्स उससे थोड़ा सा पतला आपको मिलेगा। तो इसके बाद अगर हम सभी के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो जो आईफोन 14 और जो 14 प्रो दोनों पे आपको मिलेगा 6.1 इंच का रेटिना डिस्प्ले, जो आईफोन 14 मैक्स और जो प्रो मैक्स दोनों पे आपको मिलेगा 6.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है आईफोन 14 और जो 14 मैक्स दोनों पे आपको पिछले बार के जैसा एग्जैक्टली सेम बेजल आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रो और प्रो मैक्स दोनों पे आपको पिछले बार के मुकाबले और भी पतला बेजल आपको मिलेगा। जो आईफोन 14 और जो 14 प्रो दोनों पे आपको मिलेगा 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो प्रो और प्रो मैक्स दोनों पे आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मतलब हम यही चीज कह सकते हैं जो प्रो और जो प्रो मैक्स है दोनों डिवाइस में आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। वैसे ये चार्ट शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना, अभी भी वर्ल्ड पे जो चिप शॉर्टेज वो चल रहा है। तो जो 14 और जो 14 मैक्स इस बार आपको पुराने वाले के जैसा एप्पल A15 वाला प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन जो प्रो और प्रो मैक्स सिर्फ दो ही डिवाइस में आपको A16 वाला प्रोसेसर आपको मिलेगा। इस बार हर एक डिवाइस में आपको 6GB तक का रैम का सपोर्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सीपीयू डिपार्टमेंट में भी जो प्रो और जो प्रो मैक्स उसमें ही आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैमरे के बारे में। तो इधर भी एग्जैक्टली सेम, जो आईफोन 14 और जो 14 मैक्स दोनों पे आपको पिछले बार की जैसा 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा जिसके मदद से आप 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन जो प्रो और जो प्रो मैक्स दोनों पे आपको 14 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा जिसके मदद से आप 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो इसका मतलब कैमरा के मामले में भी जो प्रो और जो प्रो मैक्स दोनों पे आपको एक मेजर इंप्रूवमेंट मिलेगा। और फाइनली अगर हम चालू के बैटरी के बारे में बात करें, जो आईफोन 14 उसमें आपको मिलेगा 3280 एमएएच के आसपास बैटरी, जो आईफोन 14 प्रो उसमें आपको मिलेगा 3200 एमएएच बैटरी, जो 14 मैक्स उसमें आपको मिलेगा 4325 एमएएच बैटरी और जो आईफोन 14 प्रो मैक्स उसमें आपको मिलेगा 4323 एमएएच बैटरी। तो मतलब इस चार्ट से हमें यही चीज मालूम चलता है इस बार जो आईफोन 14 और जो 14 मैक्स दोनों पे आपको पिछले बार के मुकाबले कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रो और प्रो मैक्स उसमें आपको पिछले बार के मुकाबले मेजर डिफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट, उसके साथ साथ प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी पिछले बार के मुकाबले स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो अभी तक एक इंफॉर्मेशन मालूम चला है, इस बार के आईफोन 14 के हर एक डिवाइस इंडिया में पहले से मैन्युफैक्चर होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आईफोन 14 का बेस वेरिएंट उसका प्राइस आईफोन 13 के बेस वेरिएंट के मुकाबले 10,000 रुपए सस्ते में मिलेगा। लेकिन अभी ये तो सुनी सुनाई बात है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या होगा ये एप्पल के ऊपर ही मालूम चलेगा। लेकिन जितना मुझे लग रहा है, मतलब ये बस मेरा ओपिनियन है, आईफोन 14 शायद शुरू होगा 70,000 से, 90,000 से शुरू होगा आईफोन 14 मैक्स, जो आईफोन 14 प्रो वो शुरू होगा प्रोबेबली 110,000 के आसपास और 130,000 के आसपास हमें मिलेगा आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप ये चारों डिवाइस में से कौन सा लेना चाहेंगे या फिर कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।